नमस्कार दोस्तों। तो मेरा अगला विषय है गलती से मिस्टेक। ये वीडियो मैं पहले भी बनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन हो नहीं पा रहा था। फ़ोन पे ट्राई कर रहा था तो लैपटॉप में ट्राई कर रहा हूँ। तो आपने ये गाना तो सुना होगा, ये यू वूमन है कर ले गलती से मिस्टेक। लेकिन गलती से मिस्टेक का कोई उम्र नहीं होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि आप बहुत सारी गलतियों करने के बाद आप सुधर जाते हो, सुधर जाना चाहिए एंड गलती का भी लिमिट होता है। लेकिन ये मेरा मानना है कि कोई चीज़ एक्चुअली गलती नहीं होती है। हाँ, थोड़े ब्लंडर्स होते हैं, जैसे कि चाकू से आप गाजर को काट रहे हो लेकिन अपना उंगली काटती हो। दोज काइंड ऑफ थिंग्स, यस ऑफ कोर्स वो गलती है, मेजर गलती जिससे आपका फिजिकल हार्म हो रहा है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ डिसीशंस का। जब आप डिसीशन लेते हो आप सोचते हो कि आपने गलती कर दी, अरे वे, लेकिन वो गलती एक्चुअली गलती नहीं है, वो केतु है। केतु का मतलब है मोक्ष। मैं समझाता हूँ। 99 में या 2000 में जब मैं IAS का एग्ज़ाम लिख रहा था, तो उससे पहले मैंने ज्योग्राफी को सेलेक्ट किया प्रीलिम्स में। तो उस टाइम प्रीलिम्स में भी सब्जेक्ट्स होते थे, अभी पता नहीं, शायद GK है। तो उस टाइम में प्रीलिम्स में भी सब्जेक्ट होते थे, तो मैंने ज्योग्राफी लिया। लेकिन जब एग्ज़ाम करीब आ रहा था तो मैंने अपना मन बदल लिया और मैंने मैथ्स ले लिया, क्योंकि किसी ने बताया कि मैथ्स स्कोरिंग है, मैथमेटिक्स स्कोरिंग है, तो आपको मैथमेटिक्स में ज़्यादा मार्क्स आएगा। तो मैं मैथमेटिक्स लिया ज्योग्राफी प्रिपेयर करके, क्योंकि मैं सोचा कि मैं मैथमेटिक्स में मेरा अच्छा ही है तो मैं पास हो जाऊँगा प्रीलिम्स एटलीस्ट। लेकिन वहाँ गया, देखा, उस दिन मेरा सर दर्द हो गया, मेरा चश्मा भी टूट गया। चश्मा नहीं टूटा, चश्मा तो इनकम टैक्स एग्ज़ाम पर भी टूटा। ये सर दर्द हो गया और मुझे क्वेश्चन पेपर समझ में नहीं आया और मैं कुछ लिखा ही नहीं। जब मैं MBA कर रहा था मैं सोचा फाइनेंस लूँ अगेन बिकॉज मेरा मैथ्स अच्छा है। लेकिन लास्ट मिनट में पिताजी का कुछ सर्जरी हो रहा था तो मैंने लिया मार्केटिंग, जबकि मेरा नेचर ही नहीं है, मार्केटिंग वाला नेचर ही नहीं है, फिर भी मैंने कर लिया। ऐसे करते 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 लाइफ में आई थिंक अनगिनत मैंने मिस्टेक्स किए हैं। लेकिन जब मैं वापस देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे कि कोई मिस्टेक्स है ही नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली देर इज़ नो सच थिंग एज मिस्टेक। वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि वो सब एक प्रोसेस है। मतलब आपको केतु जो आपका मोक्ष कारक है, आपका ही नहीं सबके लिए मोक्ष कारक है, तो केतु आपसे गलती करवाता है ताकि आप इस दलदल से फंस हो, इस दलदल में जो आप फंसे हुए हो इससे आप बाहर निकलो। तो केतु इज ऑलवेज ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ मटेरियल, मतलब जैसे कि धन दौलत शहरत, बहुत सारी चीज़ों को वो गेट रिड करने का कोशिश करता रहता है। क्योंकि केतु एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं कि वो रजस का खिलाफ है। अब रजसी प्लैनेट्स कौन से हैं? एक है बुध और दूसरा है शुक्र। जब आपकी कुंडली में बुध के साथ केतु आ गया तो ऑब्वियसली आपका हाथ पैर टूट सकता है, आपका पैसा ख़त्म हो सकता है, बेसिकली जॉब ठीक से रहता नहीं है। अगर आप बहुत सारे बहुत बड़े पोजिशन में पहुँच गए अपनी लाइफ में तो वहाँ से धमाल एक बार आप नीचे गिर जाते हैं। तो मैं एक बार ऐसे ही एक CEO से मिला जो बहुत काफ़ी पैसा कमा लिया था, लेकिन एक दिन अचानक क्या हुआ, उसकी गाड़ी चोरी हो गई, उसमें पासपोर्ट था, पैसे थे। फिर उसका दूसरा या तीसरा दिन उसको उसके अपने कंपनी से निकाल दिया गया। तो ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे। तो ये बुध के खिलाफ है केतु, फाउंडेशन के खिलाफ है, क्योंकि वो आपको उस अटैचमेंट से आपको भगाना चाहता है। आप अटैच्ड हो, मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को शौहरत चाहिए, मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, फिजिकल थिंग्स चाहिए। तो उन चीज़ों से आपको दूर
करने का केतु प्रयास करता रहता है। सिमिलरली शुक्र के साथ अगर केतु आ गया तो वो आपको ब्लड रिलेटेड, पैसा रिलेटेड या सम अदर रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता है। रिलेशनशिप्स मतलब लड़कियों के साथ रिलेशनशिप ख़राब रहता है, अगर आप लड़की है तो लड़का के साथ रिलेशनशिप ख़राब रहता है, इट्स लाइक दैट। तो केतु का मेन पर्पस ये है कि वो आपको मुक्ति दिलाना चाहता है, आपको मोक्ष दिलाना चाहता है इस दलदल से। अगर केतु के सामने जो राहु बैठा है उसके साथ कोई ग्रह आ गया तो वो राहु आपको कोशिश करेगा आपको फिर से पुनर्जन्म दिलाने के लिए, लेकिन केतु चाहता है कि आपको पुनर्जन्म ना हो। तो इसलिए कभी कभी आप जो गलती करते हैं, जैसे मैंने किया अपने लाइफ में अनगिनत गलतियाँ, गलतियों का कोई लिस्ट ही नहीं है, लेकिन रिग्रेट के बजाय कि अरे यार मैंने गलती कर दी, उसके बजाय अगर मैं समझूं कि नहीं नहीं ये गलती नहीं है, ये एक्चुअली केतु का मदद है जो मुझे वो कर रहा था, मुझे इन अटैचमेंट से, फिजिकल थिंग से, इन थिंग से वो दूर करने का कोशिश कर रहा है। ऐसे करके अगर मैं सोचूं तो मेरा ज़िंदगी और बेटर हो सकता है, एटलीस्ट मेरे मन को शांति हो सकती है। क्योंकि अगर मैं ज़िंदगी भर रोता रहूँगा कि मुझे नहीं, उसने मुझे ठीक से पैसा नहीं दिया, अच्छा करियर नहीं दिया, मैंने सोलह कंपनी ज्वाइन किया, कहीं भी ठीक से टिक नहीं पाया, अब मैं खुद का कंपनी चला रहा अपने दोस्त के साथ, ऑफकोर्स मैं मेन नहीं हूँ क्योंकि पैसा मेरा नहीं है, मेरा दोस्त का है, लेकिन फिर भी छोटा मोटा मैं अपना खुद का कुछ ट्राई कर रहा हूँ। अगर मैं अपने आप को कोसता रहूँगा ज़िंदगी भर, और आप भी अगर अपने आप को कोसते रहोगे तो इससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि केतु वांट्स फ्रीडम, मुक्ति, मोक्ष, तो उसका एजेंडा को आपको समझना पड़ेगा। सो दैट इज़ वन थिंग। एंड ऑफकोर्स मैंने पहले भी बताया, जैसे कि अगर आपकी कुंडली में, नवांश कुंडली में अगर केतु आत्मकारक से चौथे घर में, आत्मकारक से बारहवें घर से, या उसके स्वामी के साथ अगर कुछ रिलेशन बनता है तो मोक्ष का चांसेस है आपको। लेकिन हाँ, मैंने ये भी बोला है कि बहुत सारे लोगों को मोक्ष नहीं चाहिए, शायद वो यंग सोल्स हैं, अभी अभी उन्होंने लाइफ को एक्सपीरियंस करना शुरू किया है, तो मे बी दे डोंट वॉन्ट मोक्ष, मे बी दे वॉन्ट एन्जॉयमेंट, आई डोंट नो। लेकिन एटलीस्ट जो लोग मेरे चैनल पे आते हैं, मेरे वही आशा रहती है कि उनको चाहिए, कि उनको मुक्ति चाहिए। क्योंकि जैसे मैं दुनिया देखता हूँ, बोलते हैं हाँ कैरेबियन क्रूज है, हिमालय पर्वत है, सुंदर सुंदर झरने हैं, लेकिन कहाँ है? बेंगलोर तो फुल्ली पोल्यूटेड है, दिल्ली फुल्ली पोल्यूटेड है, आपका बॉम्बे फुल ये है, केवल ट्रैफिक्स है, और अगर आप गाँव वाँव भी जाएंगे तो गाँव का हालत भी ख़राब है। आप गाँव में रहेंगे भी तो करेंगे क्या? आपको तो इनकम होना चाहिए ना, अभी खेती बाड़ी करने के लिए भी तो ज़मीन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे सिटी लाइट्स मूवी में दिखाया, वो राजकुमार राव सिटी को आता है, वो मजदूर है गांव का, उसके पास पैसा नहीं रहता है, वो सिटी को आता है, फ्लाईओवर के नीचे सोता है, उसकी वाइफ बार डांसर बन जाती है। तो शी अंडरस्टैंड लाइक नो, दिस मैट्रिक्स इज़ नॉट रियली उतना सुंदर नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। हाँ पेड़ हैं, झरने हैं, लेकिन आपको खाना भी तो खाना है, एंड यू हैव टू लिव। तो अगर आप गांव में रहेंगे तो ऐसा भी काम करना पड़ेगा जिससे आपका पेट भरे। सो बेसिकली केतु ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया है दुनिया में, इस मैट्रिक्स में, कि वो आप सचमुच में हताश हो जाए, परेशान हो जाए, एंड चाहें कि आप यहाँ से निकल जाएं। ऑफकोर्स केतु का कोई डिज़ायर नहीं होता है, क्योंकि केतु एक्चुअली वो कटा हुआ बॉडी है। तो एक असुर था स्वर्भानु, तो उसका सर जो है वो राहु बन गया और बॉडी केतु है, तो बॉडी में तो जान नहीं है क्योंकि मर गया। तो केतु का कोई डिज़ायर नहीं है, लेकिन केतु का एक एक्सपेक्टेशन है कि उसका एक सर आ जाए। तो आप भी मतलब सर के लिए आप खोज रहे हो सर कहाँ है। सर मतलब ये जो इंद्रियां हैं, ठीक है, जिसे आप देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, ये दैट इज़ ऑल राहु। राहु वांट्स अ बॉडी, इट वांट्स अ मटेरियल। तो इसलिए राहु चाहता है कि आप इधर रहो, इस दुनिया में रहो, आप फिर से जन्म लो, बहुत सारा मुकेश अंबानी बन जाओ या शाहरुख खान बन जाओ, जो भी है, और ग्रीड, सो काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, ये सब राहु चाहता है। लेकिन केतु चाहता है कि आप यहाँ से निकलो। सो नाउ जब भी केतु आपके लग्न में आता है
वो आपको आनंद दे सकता है या तड़पा सकता है। अब जैसे मेरे को 2001 में आया था, मेरा नौकरी चला गया था उस टाइम पे, जब केतु तो मेरे सर पे आया, मेरा नौकरी चला गया। लेकिन मैं 5 दिन, मेरे को ऐसा लगा कि मैं जैसे कि हवा में उड़ रहा हूँ। लास्ट टाइम जब केतु आया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस बार फिर मार्च में आ रहा है 1.5 साल के लिए, देखते हैं इस बार क्या करता है। अब मेरे पास खोने के लिए भी तो कुछ है नहीं, तो केतु शायद सोचेगा कि अरे यार इसके पास तो कुछ है नहीं, तो शायद वो कुछ दे या ना दे, लेकिन उतना तड़पा आएगा नहीं करके मेरा एक्सपेक्टेशन है। तो केतु 18 साल का उसका साइकिल होता है, हर 18 साल में वो आपके लग्न पे या आपके राशि पे आके आपके सर के ऊपर तांडव करता है। तो तब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो इस बार धनु राशि में आ रहा है जहाँ वो उच्च का बैठता है, क्योंकि केतु को चाहिए गुरु, केतु को चाहिए सर। तो ये बात मैंने अपने ग्रहण वाले वीडियो में नहीं बताया। सो जब भी ग्रहण होता है, अगर उस टाइम पे गुरु स्ट्रांग है, यानी गुरु उस टाइम पे, गुरु मतलब गुरु बृहस्पति, जुपिटर प्लैनेट, अगर जुपिटर प्लैनेट उस टाइम स्ट्रांग है तो ग्रहण का इफेक्ट उतना बुरा नहीं होता। तो इस साल गुरु भी धनु राशि में आ रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। अल्टीमेटली ये जो ग्रहण हो रहा है, इसे वर्ल्ड का एंड होगा या हम कुछ दूसरे टाइमलाइन में जाएंगे या कुछ और अच्छा होगा, ये हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल आप बस इतना याद रखिए कि केतु वांट्स यू टू फिनिश ऑफ योर डिजायर्स। ओशो मेथड है कि फुल डिजायर वाला मेथड, और डिजायर करो और डिजायर करो और डिजायर करो, लेकिन केतु का मेथड ऑपोजिट है, वो आपके डिजायर्स को काट देता है। आपका जो अब जैसे कि आप और गाड़ी चाहिए और गाड़ी चाहिए और गाड़ी चाहिए, तो केतु क्या करेगा, आपके सारे गाड़ी का टायर पंचर करवा देगा। ठीक है, आपको बहुत सारा मोह माया है लोगों के साथ, तो आपको अपनी फैमिली से दूर ले जाएगा कहीं दूर, या तो आपको एक पहाड़ में डाल देगा, या आपको एक क्या बोलते हैं कैसे जॉब में डाल देगा, जो जिससे आप अपना फैमिली से दूर हो जाए, क्योंकि सारे चीज़ माया है, एवरीथिंग इज माया, एंड केतु वांट्स टू कट यू ऑफ फ्रॉम माया। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि आप बोल सकते हैं गलती है, गलती सिर्फ आपके दिमाग में है, एक्चुअली कोई गलती नहीं। आत्मा आपको केतु के द्वार से, इट वांट्स यू टू गो आउट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।